हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लोदय क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए सेकेंड ईयर में राजनीति विज्ञान में पॉलिटिकल थिंकर्स पर हमारा सेशन चल रहा था, जिसमें दोस्तों अभी हमारा सेशन चल रहा है जॉन एस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल पर हमारा सेशन चल रहा था, जिस पर एक सेशन हमारा हो चुका है, जिसमें हमने मिल के उपयोगितावाद सिद्धांत पर चर्चा की थी और साथ ही साथ में देखने का प्रयास किया था कि मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद सिद्धांत में किस प्रकार से संशोधन किया है, क्या क्या संशोधन उसमें किया है। दोस्तों अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, उसको जल्दी से देख ले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेशन में बढ़ेंगे दोस्तों, शुरुआत करें। उससे पहले मैं आपके लिए एक छोटा सा अनाउंस, जो कि प्रत्येक लेक्चर में कर रहे हैं, हालांकि सभी देख रहे हैं, प्रज्ञान हिंदी चैनल है, यूट्यूब पर नया चैनल है, जो कि आपकी ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनाया गया है। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी, पीएससी, रेलवे, एसआई, बैंकिंग, एसएससी, कुछ भी, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो जल्दी से उससे ज्वाइन कर लें। सभी लेक्चर वहां पर निशुल्क रूप से प्रोवाइड किए जाएंगे, वो भी नोट्स के साथ में, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन थर्ड यूनिट में लास्ट चैप्टर, लास्ट टॉपिक चल रहा है, ठीक है। आज का टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आज का हमारा सारांश क्या होगा, तो सारांश होगा दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है, चार पॉइंटों के, चार बिंदुओं के माध्यम से आज हम जो है दोस्तों मिलके स्वतंत्रता संबंधी विचारों को जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें है कि मिलके स्वतंत्रता संबंधी विचार, स्वतंत्रता की आवश्यकता, स्वतंत्रता के दार्शनिक आधार और स्वतंत्रता के प्रकार। तो इस प्रकार से चार ये बिंदु जो आपको दिख रहे हैं, इनके माध्यम से ही हम इसको पूरा समझने का प्रयास करेंगे। इन चारों बिंदुओं पर डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे कि आप मिल को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, उनके विचारों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वतंत्रता संबंधी विचारों की, कि मिल ने अपने विचारों में स्वतंत्रता से संबंध, स्वतंत्रता के संबंध में क्या क्या विचार व्यक्त किए हैं, उनकी जरा से कुछ शब्दों के माध्यम से हम यह चर्चा कर लेते हैं। तो आइए पहले हम स्लाइड को पढ़ेंगे, उसके बाद उसका व्यवहारिक पक्ष समझते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन नोट से लेकर के और आपके अंडरस्टैंडिंग तक कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, सब कुछ क्लियर होता चले, ठीक है। आइए सबसे पहले हम पीडीएफ इस पर आते हैं दोस्तों, स्लाइड पर मेरे साथ पढ़ते चलेंगे, इसको समझते हुए चलेंगे, है ना। ये पढ़ने का विशेष कारण ये है, इस नोट्स को पढ़ने का विशेष कारण ये है कि जब हम आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं, तो नोट्स में आप रिवीजन करते वक्त कहीं पर भी आप परेशान ना हो, किसी भी शब्दावली से आप अपरिचित ना रहे। साथ ही साथ में जब भी आप कोई बुक को पढ़े, बुक में से ये टॉपिक पढ़ेंगे, तो इन शब्दावलियों के माध्यम से आपके उस बुक का वो टॉपिक भी क्लियर होता चलेगा, कहीं भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगी, ठीक है ना। आइए, राजनीतिक विचारकों के क्षेत्र में मिल का सबसे बड़ा योगदान जो रहा है वो स्वतंत्रता के संबंध में रहा है। तो कुल मिलाकर इस पहली लाइन में ये कहने का प्रयास किया गया है कि अभी तक जितने भी विचारक अर्थात पॉलिटिकल थिंकर्स आए हैं, उन्होंने अपने जितने भी विचार दिए हैं, उन सबसे अगर अग्रणी स्थान मिल का रहे, या ऐसा अगर हम कहें कि मिल जो है अभी तक के सारे विचारकों में सबसे प्रथम स्थान पर आते हैं, तो वो किस आ, आ, उनके कार्य, कौन से कार्य को लेकर आते हैं दोस्तों, तो वो आते हैं कि उन्होंने जो स्वतंत्रता के संबंध में जो अपने विचार दिए हैं अपनी पुस्तक में, जो विचार उन्होंने अपनी पुस्तक में व्यक्त किए हैं, ऐसे विचार स्वतंत्रता को लेकर इनसे पहले कभी किसी और थिंकर ने नहीं दिए थे ना। तो इसी कारण यह कहा गया है कि सबसे बड़ा, अगर इनका किसी योगदान की हम बात करें, तो इनका सबसे बड़ा योगदान है स्वतंत्रता के संबंध में विचार, स्वतंत्रता के, स्वतंत्रता से संबंधित जो उनने विचार व्यक्त किए हैं उन पर हम यह बात कर रहे हैं। उनके ये विचार या सिद्धांत तो उनकी ओन लिबरली पुस्तक में निहित है। तो देखिए, एक पुस्तक की हमने कल भी बात की थी, कल भी बात की थी, कल के सेशन में भी हमारी बुक पर चर्चा हुई थी, जिसमें उन्होंने दोस्तों बेंथम के जो उपयोगितावाद सिद्धांत था उसका खंडन करते हुए उसको परिवर्तित किया था या संशोधित किया था, है ना। उनकी एक अन्य किताब एक और है जिसका नाम है ओन लाइबरली, ओन लिबरली, या कुछ भी कह, आप ओन लिबरली भी कह सकते हो, लाइब्रेरी भी कह सकते हैं। तो इस पुस्तक में उन्होंने स्वतंत्रता के संबंध में कुछ विचार अपने व्यक्त किए हैं। स्वतंत्रता संबंधी उनके विचारों के कारण मिल की गणना स्वतंत्रता के महानतम पुजारियों में की जाती है। स्वतंत्रता की अवधारणा को पूरी तरह समर्पित अपने समय की यह पहली रचना है दोस्तों। तो अब यहाँ पर इस पॉइंट को अब आप याद रखेंगे कि स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के संबंध में कहें कि इस प्रकार की जो अवधारणा दी गई है स्वतंत्रता को लेकर के, ऐसी रचना उस समय, उस तात्कालिक समय की पहली रचना थी,
इसी कारण से प्रारंभ में ही मैंने आपको यही कहा था कि मिल का सबसे अग्रणी स्थान अगर आता है तो वो स्वतंत्रता संबंधी विचारों को लेकर ही आता है, कि जो स्वतंत्रता को लेकर के जो विचार उन्होंने दिए हैं, इनसे पहले किसी और ने इस प्रकार के विचार व्यक्त नहीं किए थे। ठीक है ना? तो ये सामान्य सी बातें ही, इसमें आप एक व्याख्या के रूप में भी इसको लिख सकते हैं, व्याख्या के रूप में भी लिख सकते हैं, है ना। व्याख्या लिख करके आप उनके विचारों को लिख सकते हैं कि इस प्रकार से इनका यहाँ पर स्थान प्राप्त होता है। अन्य जो राजनीतिक विचारक हैं या पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, उनमें अग्रणी स्थान इनका रहा है स्वतंत्रता को लेकर के, स्वतंत्रता के विचारों को लेकर के ही। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों इनके स्वतंत्रता की आवश्यकता पर। स्वतंत्रता की आवश्यकता पर इन्होंने स्वतंत्रता को एक राज्य में, या कहें कि एक जल कल्याण वाली राज्य, क्योंकि प्राचीन काल से ही लोकतंत्रात्मक राज्य की स्थापना की पुरजोर जो है मांग चलती आ रही थी, कहीं ना कहीं जनता में वो पनप रही थी, धीरे धीरे उसकी डिमांड बढ़ती जा रही थी, है ना। तो अब जबकि आप जानते हैं कि अगर एक लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करनी है तो स्वतंत्रता को सबसे अधिक महत्व मिलना बहुत आवश्यक है। और इसी बात को सबसे पहले जिन्होंने अपने विचारों में लेकर आए थे, या कहें कि जिन्होंने भापा था इसे विचार को, वो ही थे ये मिल साहब। तो इन्होंने ही कहा था कि एक राज्य के अंदर, एक राज्य में एक सभ्य समाज की स्थापना करने के लिए स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है, इस बात को कोड करते हुए उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। आइए स्लाइड को एक बार पढ़ते हैं और पूरा क्लियर करते हुए इसको चलते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। जॉन मिल के समय के राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियां काफी परिवर्तन आ गया था कुल मिलाकर के, कि मिल के समय में राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ चुका था। ठीक, राज्य की शक्तियां और कार्य क्षेत्र निरंतर बढ़ रहे थे। जनहित के नाम पर राज्य विभिन्न क्षेत्रों में अनावश्यक रूप से विधियों का निर्माण कर रहे थे ना। 1 मिनट के लिए मैं इस पॉइंट पर रुकना चाहूंगा दोस्तों। देखिए क्या कहा मिलने यहाँ पर, कि जब मिलने अपने विचार व्यक्त करना प्रारंभ किया, या विचार व्यक्त किए थे ऑन लिबरली पुस्तक जब उन्होंने लॉन्च की, पुस्तकों में अपने विचार रखे स्वतंत्रता को लेकर के, उस समय तक वहां पर दोस्तों राजनीतिक और आर्थिक दोनों क्षेत्र में बेंथम से कहीं ज्यादा परिवर्तन आ चुका था। बेंथम के समय से कहीं ज्यादा परिवर्तन आ चुका था। तो ये समय परिवर्तन काल का समय था। किसके समय का? जॉन स्टुअर्ट मिल के समय का। एक परिवर्तन काल का समय था, तो इस समय काफी परिवर्तन आ चुके थे। और परिवर्तन किस प्रकार के? परिवर्तन भी इस प्रकार के कि दोस्तों जो राज्य उस समय अस्तित्व में था, ऐसे राज्य में सरकार अपना प्रभुत्व जमाने के लिए बिना आवश्यकता के, या कहें कि अनावश्यक रूप से, या अनावश्यक जिनकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी, ऐसे कानूनों को जनता के बीच में ला रही थी ताकि उनका प्रभाव अर्थात सरकार का प्रभाव जनता पर और स्थायी हो सके। ठीक है ना? तो इस प्रकार से उनके समय में क्या हो रहा कि राज्य की शक्तियां निरंतर बढ़ रही थी। राज्य की शक्तियां बढ़ने से राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ता जा रहा था, और जनहित के नाम पर जनता की भलाई के नाम पर कुछ ऐसे कानून लेकर आ रहे थे राज्य, जो सिर्फ और सिर्फ राज्य के हित में थे, जनता के हित में नहीं थे। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बाल श्रम जैसे एग्जाम्पल में भी दोस्तों यहाँ दिया गया। देखिए कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश संसद में बाल श्रम को लेकर के कानून पास हुआ। अब इस कानून के पास होने से क्या हुआ कि अब बच्चे बच्चे स्वतंत्रता पूर्वक कार्य नहीं कर सकते, साथ ही साथ में बच्चों के माता पिता भी उनसे कार्य नहीं करवा सकते। तो ये कार्य नहीं करने का जो कानून आया, बाल श्रम रोकने का जो कानून आया, इसने आर्थिक क्षेत्र को और आहत किया। अर्थात कि जो निर्धन जनता थी, जो निर्धन जनसंख्या थी, उनके कार्यों में हस्तक्षेप किया। इसके कारण से समाज में और ज्यादा दुविधाएं बढ़ने लगी, और ज्यादा संकट उसमें बढ़ने लगे। ठीक, तो मिल के अनुसार स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा खतरा सरकार से नहीं था, बल्कि ऐसे बहुमत से होता था जो नए विचारों के प्रति असहिष्णु होता तथा बहुमत के नशे में अल्पसंख्यकों को संदेह की दृष्टि से देखते हुए उन्हें दबाने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर अब देखिए, इसको पापा से शुरू से एक बार रिपीट करते हैं, एक बार, ताकि आपके अंदर से जो पढ़ते रहे भूलते रहे वो कहानी खत्म हो जाएगी।
स्टुअर्ट मिल की जब हम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने स्वतंत्रता के संबंध में बहुत अच्छे विचार व्यक्त किए थे, और बल्कि ऐसे विचार जो उनके समय तक अन्य कोई भी विचारक ऐसे विचार नहीं रख पाए स्वतंत्रता के संबंध में, ठीक है ना। तो उनके समय में कहने का अर्थ ये है कि बेंतम के समय की परिस्थितियां कुछ और थी, लेकिन मिल के समय में परिस्थितियां कुछ और थी, बदल चुकी थी। मिल के समय में जो राज्य था, राज्य की शक्तियां निरंतर बढ़ रही थी, बढ़ती जा रही थी, और उन शक्तियों के बढ़ने के कारण ही राज्य जनता के बीच में जनता की भलाई के नाम पर कुछ ऐसे कानून पास कर रहा था जो सिर्फ और सिर्फ राज्य के हित में थे, राज्य के हित में थे। इसका एग्जाम्पल भी लिया गया, जैसे कि बाल श्रम कानून जो ब्रिटिश संसद ने पास किया था। तो बाल श्रम कानून के कारण समाज का जो निर्धन वर्ग था, जहां पर बच्चे काम करते थे स्वयं घर के लिए, स्वयं के व्यापार में कार्य काम करते थे, वो बच्चे अब काम नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इससे क्या हुआ कि जो निर्धन वर्ग था उसका शोषण होने लगा, उसकी आर्थिक स्थिति निम्न थी और निम्न होने लगी, है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार से मिल ने ये कहा कि स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता के, अब जैसे कि देखिए, अब यहां पर ये भी जैसे हमने अभी देखा कि ब्रिटिश संसद ने बाल श्रम कानून को पास करके वो निर्धन जनता के साथ में अन्याय किया है। तो अब इससे हमको ये लगेगा कि कहीं ना कहीं स्वतंत्रता के लिए संसद खतरा है, संसद अर्थात राज्य खतरा है। तो दोस्तों यहां पर मिल ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि स्वतंत्रता के लिए हम में ऐसी अनुभूति होगी जरूर कि राज्य खतरा है, लेकिन राज्य स्वतंत्रता के लिए खतरा नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता के लिए खतरा तो वो है एक जो बहुमत में आकर के सरकार बनाते हैं, जिनके विचार प्रगतिशील विचार नहीं है, अर्थात समय के अनुसार बदलने वाले विचार नहीं है, बल्कि परंपरागत रूढ़ियों को अपनाने वाला जो बहुमत है उससे स्वतंत्रता को खतरा है। क्यों? क्योंकि जिस भी बहुमत सरकार में आती है तो वो कहीं ना कहीं बहुसंख्यक समाज की आएगी, और जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसको दबाने का प्रयास करेगी वो, है ना। तो मिल ने यही स्पष्ट तौर पर कहा है कि राज्य राज्य अपने आप में खतरा नहीं है स्वतंत्रता के लिए, बल्कि एक जो बहुमत की वाली जो जनसंख्या का जो वर्ग है वो सरकार में आकर के अल्पसंख्यकों के अधिकारों को छीनने का प्रयास करेगा, उनको दबाने का प्रयास करेगा। तो खतरा स्वतंत्रता को उस वर्ग से है जो बहुमत में आता है ना। तो जेएस मिल ने माना था कि उदारवादी शासन के पीछे पीछे उदारवादी समाज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसके लिए? अगर एक अच्छा अच्छी शासन व्यवस्था हमको लागू करनी है, एक अच्छे राज्य की स्थापना करनी है, तो उदारवादी शासन होना चाहिए, और उस उदारवादी शासन को स्थापित करने के लिए जनता भी उदारवादी होनी चाहिए। जब तक जनता उदारवादी नहीं होगी तो शासन भी उदारवादी नहीं हो सकता। क्लियर होता चल रहा है ना? कहीं कंफ्यूजन तो नहीं आ रही दोस्तों? ठीक है, तो इसको अगर संक्षेप में समझे तो मिल ने व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए शासन के बढ़ते हुए कार्यों कार्यों और अल्पमत पर मनचाहे प्रतिबंध की प्रवृत्ति और जनमत के नाम पर अनावश्यक कानूनों को थोपने की प्रवृत्ति का विरोध किया, और साथ में उपयोगिता सिद्धांत को नकार दिया है। तो उपयोगिता सिद्धांत जो राज्य को आवश्यक बोलता था, राज्य की शक्ति को आवश्यक मानता था, परम शक्तिशाली मानता था, कौन? बेंतम का उपयोगिता सिद्धांत, उसको नकारा है इन्होंने। इन्होंने कहा है कि जनता की अर्थात व्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे ज्यादा जरूरी है, राज्य के अंदर जनता की स्वतंत्रता सबसे ज्यादा जरूरी है। क्लियर हुआ? तो अब इन विचारों से ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस समय में जितने भी विचारक हमने प्लेटो से लेकर के अभी तक जितने भी विचारक पढ़े हैं, उन सभी थिंकरों में दोस्तों इस स्वतंत्रता पर इतनी गहराई में किसी ने अगर बात की है तो वो ये जॉन मिल ही है। जॉन मिल ने ही इतनी गहराई में इनसे स्वतंत्रता को लेकर के बात की है ना। 1 मिनट थोड़ा कैमरा चेक कर लें दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हैंग हो गया था। हाँ, ओके ओके, ठीक है। अब बात हम करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट है स्वतंत्रता के दार्शनिक आधार। स्वतंत्रता के दार्शनिक आधार, तो इस पर आइए एक बार स्लाइड को पढ़ते हैं, उसके बाद में इसका भी एक ऐसा व्यवहारिक पक्ष समझेंगे कि आप फिर जीवन में कभी भूलेंगे नहीं, बस ये याद रखिए। मिल ने स्वतंत्रता की अवधारणा का समर्थन दो प्रकार के दार्शनिक आधारों पर किया है। दो आधारों पर मिल ने स्वतंत्रता को जो बताया है ना कि स्वतंत्रता किस प्रकार की होनी चाहिए, तो उसके दो आधार बताए हैं। एक बोला है कि व्यक्ति
पहला क्या है, ये लिखिए, ये स्लाइड पे लिखा हुआ है, पहला क्या है व्यक्ति की दृष्टि से और दूसरा है समाज की दृष्टि से। समझिए कहानी को, क्या कहा उन्होंने कि मिल ने स्वतंत्रता का जो वर्णन किया है वो दो आधारों पर किया है, पहला आधार व्यक्ति की दृष्टि से और दूसरा आधार समाज की दृष्टि से, है ना। तो मिल के अनुसार व्यक्ति का मूल उद्देश्य, मिल के अनुसार व्यक्ति का मूल उद्देश्य अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। उसकी दृष्टि में समाज का विकास कुछ विशेष प्रकार के व्यक्तियों से होता है। ये व्यक्ति कला, विज्ञान, साहित्य और अन्य क्षेत्रों में नवाचार लाने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। तो यहां पर क्या कहा मिल ने स्वतंत्रता के दो आधार बताते हुए ये स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि जो स्वतंत्रता है वो दो आधारों पर आधारित है, एक व्यक्ति को लेकर के अर्थात एक व्यक्ति से संबंधित है, एक और एक पूरी समाज से संबंधित है। तो इसी को कोड करते हुए मिल ने कहा है कि व्यक्ति का जो सबसे बड़ा, जो सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है, जो मूल उद्देश्य होता है वो अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना होता है। अर्थात कि व्यक्ति अपना स्वयं का पूरा विकास करे, सर्वांगीण विकास करे ना। और साथ ही साथ में ये कहा है कि जो समाज का विकास, समाज के विकास के बारे में जो सोचते हैं वो कुछ अलग से पर्सनालिटियां अलग होती है, वो विभूतियां अलग होती है, और उनके अंदर जो दोस्तों उनके अंदर जो गुण होते हैं वो कला, विज्ञान, साहित्य या जो अन्य क्षेत्र होते हैं समाज के, उनमें उनमें जो है नवाचार लाने की क्षमता वो लोग रखते हैं। तो कुल मिलाकर के कहने का अर्थ यहाँ पर ये यह हो जाता है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपना पूरा विकास करना चाहता है, ठीक है, लेकिन उसी समाज के उन्हीं व्यक्तियों में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने गुणों के आधार पर, अपने गुणों के द्वारा, या कहें कि अपने गुणों को तो अपना दायित्व समझते हुए, समाज के विकास को अपना दायित्व समझते हुए समाज को आगे लेकर जाते हैं। ऐसे भी कुछ लोग समाज में ही पाए जाते हैं। अतः समाज के विकास के लिए आवश्यक है कि उसके समस्त घटकों को स्वतंत्रता प्रदान की जाए, समस्त घटकों अर्थात कि पूरी समाज के प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान की जाए, कभी कहीं जा करके एक उदारवादी राज्य की स्थापना हो सकती है। और जब स्वतंत्रता होगी व्यक्तियों को तो समाज भी उदारवादी बन जाएगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पर बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों स्वतंत्रता के प्रकार। तो यहां पर स्वतंत्रता के उन्होंने दो प्रकारों की बात की है। मिल साहब ने स्वतंत्रता के दो प्रकार बताए हैं। एक स्वतंत्रता बताई है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और दूसरे स्वतंत्रता के बारे में बात की उन्होंने कार्य की स्वतंत्रता। हालांकि हालांकि आप फर्स्ट ईयर से ही पढ़ते आ रहे हैं मूल अधिकारों को, और मूल अधिकारों के अंतर्गत आपने दोनों स्वतंत्रताओं को बहुत अच्छे से पढ़ा भी है, दोनों स्वतंत्रताओं को बहुत अच्छे से आप पढ़ भी चुके हैं। तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और एक है कार्य करने की स्वतंत्रता। तो आइए दोनों स्वतंत्रताओं को हम वन बाय वन करके समझने की कोशिश करते हैं, और बिल्कुल समझ आएंगे। इजी है, इजी कंसेप्ट है, कुछ भी इसमें ऐसा डिफिकल्ट जैसा नहीं है। डिफिकल्ट होता तो कुछ एग्जाम्पल लेके मैं अपने आप ही खुद आपको एक्सप्लेन करता, डिफिकल्ट जैसा कुछ भी नहीं, एकदम इजी है। तो पहली स्वतंत्रता की हम बात करेंगे, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो आइए स्लाइड को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। मिल के अनुसार मानव समाज की उन्नति और प्रगति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। क्या बताइए, इस लाइन में को समझाने की आवश्यकता है आप लोगों को? नहीं ना। तो अब ऐसे पॉइंट दोस्तों, ऐसी लैंग्वेज किताब से हटकर के कुछ ऐसी लैंग्वेज में आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ नोट्स के माध्यम से, कि आपको समझने में प्रॉब्लम ना आए, और एग्जाम में जब आप लिखे इन्हीं शब्दों को भी लिखेंगे ना तो आपको नंबर कोई काट ही नहीं सकता यार, है ना। तो मिल ने क्या कहा कि मानव समाज की उन्नति और प्रगति के लिए, कुल मिलाकर समाज के विकास के लिए प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। अब विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है? जो इंसान के अंदर चल रहा है, जो विचार है उनको वो बाहर निकाल सके, दूसरे अन्य लोगों के सामने रख सके, सरकार के सामने रख सके, अपने विचार वो बता सके, उन विचारों को अभिव्यक्त कर सके। तो जो विचार है, जो सोच समझने की उसकी क्षमता है, उस पर किसी का नियंत्रण ना हो, साथ ही साथ में जो सोच रहा है उसको मूर्त रूप दे पाए, उसे हम बोलेंगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना। तो मिल के अनुसार ही बौद्धिक या वैचारिक स्वतंत्रता न केवल उस समाज के हित में है जो उसकी स्वीकृति देता है, बल्कि उस व्यक्ति के लिए भी हितकर है जो उसका उपयोग करता है। तो
बौद्धिक जो विचार की जो स्वतंत्रता है, जो वैचारिक स्वतंत्रता है, विचार और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, वो सिर्फ समाज के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के संपूर्ण व्यक्तियों के लिए भी वो बहुत ही आवश्यक है। इस स्वतंत्रता के बिना किसी व्यक्ति का विकास संभव नहीं है। ठीक है, तो अतः समाज और राज्य द्वारा व्यक्ति की वैचारिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। अन्य शब्दों में मिलने कहा है कि यदि एक व्यक्ति को छोड़कर संपूर्ण समाज, संपूर्ण मानव जाति का मत एक हो, तो भी मानव जाति को उस एक व्यक्ति को बलपूर्वक चुप कराने का कोई अधिकार नहीं है। जैसा कि यदि उस एक व्यक्ति के पास शक्ति होती तो उसे मानव जाति को चुप कराने का अधिकार नहीं होता। तो इसको आप इस आसान शब्दों में ऐसे समझिए, मिल ने यह कहा है कि अब स्वतंत्रता विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वो होती है जब ऐसे ऐसा मान लेते हैं कि समाज का सिर्फ एक व्यक्ति एक तरफ और पूरी समाज एक तरफ, तो वो पूरी समाज भी मिलकर के उस एक व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने से रोक नहीं सकता। ऐसी स्वतंत्रता होनी चाहिए। और उसी के विपरीत वो एक व्यक्ति भी उस पूरी समाज को अपने विचार प्रकट करने से रोक ना पाए। इसको बोलते हैं वास्तविक विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। या तो मिल ने स्पष्ट कहा है कि विचारों को खिलने दो, उन्हें अभिव्यक्त होने दो, उन्हें जंजीरों में मत बांधो। विचार मानव समाज के विकास एवं उनके उत्थान के लिए आवश्यक प्रेरणा के स्रोत है। दोस्तों ये जो एक कोड, ये दो दो लाइन का जो कोड किया गया है, दो लाइन जो लिखी गई है, ये मिलके शब्दों में है। तो ऐसी जो दो ये लाइन होती है, पॉइंट होते हैं ना दोस्तों, बहुत इम्पैक्ट डालते हैं हमारे एग्जाम में। आंसर राइटिंग जब हम करते वक्त अगर ऐसे ऐसे शब्दों को, अगर ऐसी लाइनों को याद कर लें और आंसर में लिख कर आ जाते हैं, तो एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है ना, तो इस चीज़ों को पढ़कर खुश हो जाता है यार कि क्या एग्जाम्पल दिया है ना। तो इस चीज़ों पर आइए, वास्तविकता पर आइए। वास्तविकता मतलब यही है कि जो आप पढ़ रहे हैं उनको एक ऑफिशियल लैंग्वेज लैंग्वेज में लिखने का प्रयास करें, अपनी लैंग्वेज। या ठीक है ना, अपनी लैंग्वेज मतलब क्या होता है कि आप गांव की भाषा में लिखेंगे, जो गांव में, जो आप घर के अंदर गांव में जो भी आप लैंग्वेज यूज करते हैं, क्या उस भाषा में लिख कर आओगे कॉपी? भाई कॉपी के लिए एक स्पेशल एक जो है कि ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, उसको इस्तेमाल कीजिए आप। और ऑफिशियल लैंग्वेज बोलने के लिए आपकी शब्दावली अच्छी होना चाहिए, शब्दावली स्ट्रोंग होनी चाहिए, तभी कहीं जाकर के आपके आंसर राइटिंग में कुछ प्रभाव पड़ सकता है या एक अच्छी प्रभावशाली आपकी आंसर राइटिंग हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्वतंत्रता पर बात करेंगे, कार्य करने की स्वतंत्रता। तो मिलके शब्दों में विचारों की स्वतंत्रता अपूर्ण, देखिए अब यहां पर उन्होंने क्या कहा, चलिए पढ़ते लेते पहले, बाद में समझाएंगे। मिलके शब्दों में विचारों की स्वतंत्रता अपूर्ण है यदि उन विचारों को क्रियान्वित करने की स्वतंत्रता ना हो। ये तो वही कहानी हो गई ना कि पंछी को बोला जा रहा है कि आप उड़ सकते हो, आपको उड़ने की स्वतंत्रता है, लेकिन उसके पंख काट लिए गए हैं, उसके पंख काट लिए गए हैं। तो ये कुछ ऐसी ही कहानी हो जाती है यहाँ पर। मिल ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि भाई अगर अगर आपको स्वतंत्रता तो दे दी गई है, लेकिन अगर कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं होगी तो आप विचार व्यक्त करके कर भी क्या लोगे, है ना। तो जो आपके विचारों की स्वतंत्रता है, अगर उसको पूरा करना है तो कार्य करने की स्वतंत्रता भी व्यक्ति को पूरी तरह से होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, एक प्रश्न उठता है, बेसिकली ये क्वेश्चन उठता है कि हमने कहा था कि विचारों की स्वतंत्रता अनलिमिटेड होनी चाहिए, मतलब ये कि विचारों की स्वतंत्रता पूर्ण होनी चाहिए, तो क्या इसी प्रकार से कार्य करने की स्वतंत्रता भी पूर्ण पूरी तरह से कर दें कि कोई भी व्यक्ति कोई सा भी कार्य कभी भी कर सकता है, कर देना चाहिए क्या या नहीं? तो इसमें आइए, मिलने क्या जवाब दिया इस शब्द का, इस क्वेश्चन का क्या जवाब दिया, चलिए आइए एक बार इस स्लाइड को पढ़ते हैं। इस पर विचारणीय मुद्दा यह है कि जिस तरह विचारों की स्वतंत्रता पर कोई अंकुश नहीं होना चाहिए, क्या उसी तरह कार्यों की स्वतंत्रता पर भी कोई बंधन नहीं होना चाहिए? इस पर इसका जवाब देते हुए मिलने देखिए क्या कहा कि कार्यगत स्वतंत्रता के दो रूप होते हैं। मिल ने कहा कि नहीं भैया, कि जिस प्रकार से आप विचारों को पूरी तरह स्वतंत्रता दे रहे हो, उस प्रकार से पूरी तरह से आप कार्यों के कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं दे सकते। इसमें दो प्रकार की स्वतंत्रताओं का इन्होंने बात की है, कार्य करने की स्वतंत्रताओं में दो प्रकार की बात की है। तो पहला उन्होंने ये कहा है कि पहले कार्यों के अंतर्गत वो कार्य आते हैं जो व्यक्ति स्वयं से संबंधित होते हैं, एक व्यक्ति के खुद से संबंधित होते हैं, जैसे कि उसका घर से बाहर निकलना, छत पर टहलना,
ना, मोबाइल में अगर आप लेक्चर देख रहे हैं या आप कोई मूवी देख रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं, इसमें आपको सरकार आपको प्रतिबंधित नहीं कर सकती, है ना। तो ये कुछ होते हैं कि आप खाने में क्या पसंद है, आप क्या खा रहे हैं, आप किस प्रकार के कपड़े पहन रहे हैं, आप कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो ये स्वतंत्र, ये कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो व्यक्ति के स्वयं से संबंधित होते हैं। तो मिल ने कहा, स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि जो कार्य व्यक्ति के खुद से संबंधित है उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए, उसमें व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, वो अपने अनुसार खुद को लेकर के अपने अनुसार अपने आप को डेवलप कर सकता है, ठीक है। लेकिन वहीं पर ही इसके विपरीत दूसरा जो आधार उन्होंने बताया, वो दूसरा ऐसे बताया है कि व्यक्ति के ऐसे कार्य जिनका प्रभाव दूसरे लोगों पर पड़ता हो, तो ऐसे कार्यों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको गाड़ी चलाने की स्वतंत्रता है रोड पर, लेकिन गाड़ी को आप ऐसे सांप की तरह लहराते हुए चलाओगे, है ना, आवारागर्दी करते फिरोगे रोड पे से चलाओगे, जिससे अन्य जो चालक है, अन्य गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, उनको अगर समस्या आती है, तो फिर आपकी वो स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है। वो जो कि वर्तमान में इसको लागू भी करते हैं, इस प्रकार की स्वतंत्रता, ये जो आपको दोनों स्वतंत्रता दिखी है उसी में विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में कोई लिमिट नहीं है, आप आराम से अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं, लेकिन जहां पर कार्य करने की स्वतंत्रता है उसमें कहीं ना कहीं लिमिटेशन दिया गया है, वहां लिमिट दे दी गई है। तो ये दोनों इनके आधार थे, दोनों आधार थे। तो पहले कार्य किसे व्यक्ति से संबंधित थे, व्यक्ति के साथ होता, उन्हें स्वयं संबंधी कार्य कहते हैं। दूसरा कार्य होगा कि जिनका प्रभाव अन्य लोगों पर पड़े, जिसको हम पर संबंधी कार्य कहेंगे, पर संबंधी कार्य कहेंगे। तो मिल के अनुसार स्व संबंधी कार्य व्यक्ति के वे कार्य होते हैं जिनका संबंध व्यक्ति खुद से होता है, जैसे सिगरेट पीना, पान खाना, कपड़े पहनना, शराब पीना, जुआ खेलना, ये सारे कार्य हालांकि नेगेटिव कार्य थे, इसलिए मैंने समझाते वक्त आपको सिर्फ नेगेटिव कार्य नहीं बोले, पॉजिटिव का इस्तेमाल किया था। तो ऐसे निजी कार्यों को व्यक्ति की इच्छा के अनुसार करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन वहीं पर संबंधी कार्यों की जब बात आती है, जिनका समाज के अन्य लोगों पर उसका प्रभाव पड़ता है, तो वहां पर उसको कुछ हद तक उसका जो उसे जो है प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, सरकार को उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। उदाहरण के लिए, जैसे कोई अगर कोई शांति भंग करता है, तो चोरी करता है, तो सार्वजनिक स्थानों को भंग करता है, गंदा करता है, तो है ना। तो इस प्रकार से कुछ स्वतंत्रता, दो प्रकार स्वतंत्रता बताई है, तो दोनों में आपको इस प्रकार से जो है कार्य करने की स्वतंत्रता के अंतर्गत जो स्वयं से संबंधित है उस पर कोई प्रतिबंध नहीं, जो समाज के अन्य लोगों को प्रभावित करती है अर्थात पर संबंधी, उस पर प्रतिबंध, आंशिक प्रतिबंध होना आवश्यक है, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ में हमारा सेशन होता है कंप्लीट। तो जॉन स्टुअर्ट मिल का जो सेशन था हमारा, ये कंप्लीट हो जाता है। दो लेक्चर इस पर हुए हैं, दोनों लेक्चर में हमने बात की है। पहले लेक्चर में हमने उपयोगिता के सिद्धांत की बात की थी, उनके उपयोगितावादी सिद्धांत की बात की थी। इस बीच इस लेक्चर में हमने दोस्तों स्वतंत्रता संबंधी विचारों पर बात की है। उम्मीद करता हूँ दोनों लेक्चर आपको क्लियर हुए होंगे, अच्छे से समझ आए होंगे। अगर कहीं पर भी कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, अगर समझ नहीं आ रहा हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हम इसको और अपग्रेड होकर के, या कहें कि और अच्छे से एग्जाम्पलों का इस्तेमाल करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। किसी भी अगर 100 स्टूडेंट को समझ आ रहा है और एक को भी स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा ना दोस्तों, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, ये मत सोचिएगा कि 100 को या 1000 को समझ आया है, सिर्फ मुझे अकेले को समझ नहीं आया, तो मुझके लिए, मेरे लिए सर क्या करेंगे। तो दोस्तों, उस एकमात्र एक स्टूडेंट के लिए भी हम यहाँ सेशन लेकर आएंगे, जरूर लेकर आएंगे, है ना। पूरा कोशिश, पूरी कोशिश, जो भी मुझे पूरी ईमानदारी से फॉलो कर रहा है दोस्तों, पूरी ईमानदारी से हम भी उसके साथ में लगे हुए हैं, और उसका सबूत ये रहा दे, ये पसीना रहा, पूरा पसीने में तरबतर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको पूरे विस्तार से ही पढ़ा रहे हैं। हालांकि अगर चाहते दोस्तों तो 10-15 मिनट में भी सेशन को खत्म करके जा सकते थे, है ना। तो अगर आपके अंदर ईमानदारी है पढ़ने की, तो दोस्तों आप मेरे साथ जुड़कर रह सकते हैं, मेरे साथ पूरी, आप पूरी उम्मीद रख सकते हैं, पूरी ईमानदारी से मैं आपकी हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा जितनी मेरी क्षमता है, ठीक है। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन होगा हमारा कार्ल मार्क्स पर, जो कि आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि इस सब्जेक्ट के अंदर अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है, सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कोई टॉपिक है, तो ये कार्ल मार्क्स का भी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनता ही बनता है,
ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों, बिल्कुल भी इसको मिस ना करें, नेक्स्ट सेशन बहुत जल्दी होगा। वैसे तो दोस्तों अब कोई भी बंक नहीं होगा इस क्लास में, कम से कम इस सब्जेक्ट में तो कोई बंक नहीं होगा। पर डे आपको एक लेक्चर मिलेगा संडे को छोड़ करके, और अगर आप लोग बोलते हैं तो संडे को भी मैं इस पर लेक्चर दूंगा। पर डे दोस्तों, पर डे एक लेक्चर आपको कंटिन्यूअसली मिलता जाएगा इस पर अब, ठीक है, और वो भी पर डे डेली सुबह 6:30 बजे, 6 से 6:30 के बीच में आपको ये लेक्चर डेली मिल जाएगा। ठीक है, मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा हाँ, नोट्स की बात करें दोस्तों, नोट्स डिस्क्रिप्शन में है ना, जिन जो भी नए छात्र हैं उनको नहीं पता, नोट्स डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर सकते हैं वहां से, ठीक है।